हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं फोर्जा होराइजन 5। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं गेम प्ले के अंदर। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं गेम प्ले के अंदर और आज मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो भाई आज हम खरीदने वाले हैं अपने लिए एक नई गाड़ी, मतलब जो कि गाड़ी इंडिया में बहुत पसंद की जाती है, जिसका नाम है लैंड रोवर डिफेंडर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने गेम स्टार्ट पे लगाया। तो ओके गाइस, तो चलो अभी हम नई गाड़ी खरीदने के लिए ये बाय एंड सेल्स वाले में चलते हैं, ऑटो शो में चलते हैं और देखते हैं। अभी हम लैंड रोवर में चलते हैं सीधा से। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं ना, खरीद खरीद के थक जाएंगे और खेल खेल के भी थक जाएंगे। अभी हम धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ चला के देखेंगे, जो भी इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ हैं वो। ठीक है, तो पहले तो हम अभी लैंड रोवर वाले सेक्शन में चलते हैं उसकी कंपनी की। तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं ये लैंड रोवर की गाड़ियों में। देखो इतनी सारी गाड़ियाँ ये सब है, ठीक है, ज़्यादा गाड़ी नहीं है, इतनी सारी SUVs है। ठीक है, तो अभी हमें ये खरीदना, इसका जो प्राइस है वो 80 CR है, 80 CR में। तो अभी हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन के हैं, पर डिजाइन वाला मुझे नहीं चाहिए, बड़े बकवास भद्दे सा डिजाइन है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कलर वाला। तो यहाँ पे ये सारे कुछ कलर हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी कलर है बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि हम वो देखो, अरे ये चमकीले ग्लिटिंग वाले भी कलर हैं, मतलब ये चमकीले चमकीले टाइप के कलर हैं। ये हम लोग को पसंद नहीं आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत डार्क है। और ये जो जेन्युइन कलर है जो हर जगह अवेलेबल होता है, इसमें से हम ये वाला कलर चेक करते हैं। ओके, और एक बार कैमरा चेंज करके देखते हैं, फिर देख लेते हैं। और भाई क्या गदर लग रही है, बिल्कुल चमक रही है। और ये गाड़ी हकीकत में जब सामने आती है ना, क्या हाई टेल्स गाड़ी कर, क्या खतरनाक लगती है। तो चलो ज़्यादा बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको हम खरीद लेते हैं। ठीक है, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, तो जस्ट एंटर करते हैं और बाय पे क्लिक करते हैं। और ये गाड़ी अभी हमारे लिए, हम इसे खरीद रहे हैं। ओके गाइस, तो अभी ये गाड़ी अपनी हो चुकी है, हमने खरीद लिया है। अभी मैं कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ इसके बारे में, हम इस पर मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं। और आपको मैं इसका इंजन दिखाता हूँ, इसको बोनेट खोला और थोड़ा नज़दीक आ जाओ भाई, नज़दीक आ जाओ। ये इंजन देखो कितना ख़तरनाक इंजन है, कवर है बट है ना, बैटरी दिख रही है कुछ, चलो बंद कर देते हैं। अरे ऊपर से देख सकते हैं हम इसको, देखो लैंड रोवर लिखा हुआ है, अरे मस्त है भाई जहर। तो अभी हम इसको पीछे कैसे जाएंगे बे, ओके पीछे चले गए। ठीक है, तो अभी हम इसको बोनेट को बंद कर देते हैं, बंद हो जा, ये बंद कर दिया। और देखते हैं भाई, गेट खोल सकते हैं हम, गेट भी खोलते हैं। अरे गेट खोल दिया भाई हमने, बाहर से इंटीरियर भी देख सकते हो अंदर क्या इंटीरियर है। ये गेट भी खोल सकते हैं, ये भी खोल देते हैं, डिग्गी खोल सकते हैं, डिग्गी भी खुल सकती है, देखो डिग्गी भी खोलती है भाई। यहाँ पे तो बूट स्पेस बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा सामान हम रख सकते हैं इसके अंदर। और इसको भी खोल के देखते हैं, चार बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे इसमें, मस्त भाई लग्जरी गाड़ी में कर सकते हैं इसको, मतलब वैसे तो SUV है बट हाँ भाई, कोई नॉर्मल अमीर आदमी इसको अफोर्ड करते हैं, कोई छोटे मोटे लोग इसको अफोर्ड नहीं करते भाई। मैंने सारे इसके दरवाजे दरवाजे खोल दिए हैं। ओके, तो अभी हम इसमें देखते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं। पहले तो हम इसके सारे गेट वेट बंद कर देते हैं, ये बंद हो जा, पीछे डिग्गी बंद कर दी हमने इसकी, और ये भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। आवाज़ देखो क्या मस्त वाली आवाज़ आ रही है, ये बंद कर देते हैं और ये भी बंद कर देते हैं। और अबे ये भी बंद हो जा बे, चलो इसको भी हमने बंद कर दिया। अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हम करा सकते हैं। ऑप्शन तो दिखा रहा है यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अच्छा, ये फेंडर ही नहीं मुझे अच्छे लगे, इसमें ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं और क्या मॉडिफिकेशन है इसमें, और देखो लाइट वाइट का ऑप्शन आ रहा है, हमें लाइट बंद करने का या चालू करने का, चालू कर दी मैंने लाइट। और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन है क्या, अच्छा यहाँ मॉडिफिकेशन दिखा रहा है कि एक मॉडिफिकेशन है इसमें। देखो अंदर अभी क्या लग गया ये, चलो ये मॉडिफिकेशन वगैरह बाद में कराएंगे, छोड़ो उसको भी।
तो ओके गाइस, तो अभी हम इसको ड्राइव करके देखते हैं। यहाँ पे ड्राइव पे डालते हैं इसको और अब चेक करते हैं कि क्या फील देती है भाई। फुल ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे तगड़ी वाली इससे। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है। ओके, तो ये हमारा कैरेक्टर बैठा हुआ है और ये देखो इसकी हेडलाइट वगैरह, इसका हॉर्न लगा देखूं, हॉर्न भी खतरनाक है भाई। और इसका वेव करके देखते हैं आवाज़ कितनी कैसी है। आवाज़ भी सही है भाई। फायर क्लेम छोड़ रही है क्या? फायर फ्लेम नहीं छोड़ रही है। और लुक देखो कैसा है, और अंदर से और लुक दिखाता हूँ मैं इसके। ये कुछ इंटीरियर का लुक है भाई। ओके, यहाँ देखो साइड में स्पीकर्स भी लगे हैं मेरे ख्याल से। ये कुछ लुक है। तो चलो इसको ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं इसकी, कैसी क्या फील देती है भाई ये गाड़ी। टायर तो बड़े खतरनाक वाले, और इससे बड़ी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग करने वाले हैं अभी हम। तो अभी इसको मोड़ लेते हैं। टायर इसके ज़्यादा बड़े नहीं है पर गाड़ी बहुत बड़ी है भाई, और बहुत ही फेमस ब्रांड बोल सकते हैं आप ये है गाड़ी। और यहाँ पे देखो बहुत ऐसे, तो इसका जो स्टेयरिंग है बहुत सॉफ्ट है, और जैसे कि मैं नॉर्मल कार इस रोड पे चलाता हूँ ना तो बहुत वाइब्रेशन करती है, पर अभी ये गाड़ी बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि इसके जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे धूल उड़ करके गाड़ी गंदी हो रही है। और अभी इसका हम फुल स्पीड टेस्ट भी करेंगे कितनी जाती है भाई ये, ठीक है। और मैं आपको और लुक दिखाता हूँ इसके अंदर का, अंदर से क्या फील देती है भाई ये। स्टीयरिंग बिल्कुल सॉफ्ट है इसका। और ये आवाज़ कैसी आ रही है, देखो मैंने जब रेस छोड़ रहा हूँ पूरा, जैसे कोई सांस ले रहा हो, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। चलो अभी एक अपनी लोकेशन है वहाँ चलते हैं, और थोड़ी नदी में भी कुदा के देखेंगे इसको कि कैसी चलती है भाई नदी के अंदर। वैसे अभी मैं आपको थर्ड पर्सन के व्यू से दिखाता हूँ, अभी आगे जाके हम फर्स्ट पर्सन पे भी देखेंगे, ठीक है। कुछ जगह मैंने देख रखी है, उस जगहों पे लेके जाता हूँ आपको और दिखाता हूँ कुछ करामात आपको। यहाँ पे चढ़ाए क्या, यहाँ पे यहाँ चढ़ाते हैं, चलो यहाँ चढ़ा के देखते हैं इसको। चलो यहाँ चढ़ाते हैं, चढ़ जाएगी ना यहाँ पे, बेइज्जती मत करियो भाई। लग रही है क्या पूरा रेस एक बार में देने पे ना। चढ़ गई भाई, इस दी चढ़ गई। जीप रैंगलर जा रही है देखो। अभी देखो मैं यहाँ पे इसको ऐस चढ़ाता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, प्लीज़ ज़्यादा थोड़ा सा। ओके, तो अभी हम इस पे चढ़ाते हैं और देखते हैं। ये खंबा भी है बीच में, वैसे तो एक टायर पे खड़ी कर देंगे हम इसको। चलो भाई, चल 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 चल, उतर गई भाई। दोबारा चढ़ाते हैं इसको। चढ़ जा भाई, मतलब कि साइड से हम चढ़ाते हैं इसको ऐसे। चढ़ जा, टायर पे ग्रिप अच्छी नहीं है क्या? चढ़ 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 चढ़
चढ़ गए भाई, चढ़ गए 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 तुम्हारे भाई चढ़ा दी। अरे 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 पीछे से पीछे पीछे से पीछे से बता रहा हूँ कौन सी गाड़ी है मेरे पास अभी। चलो स्टंट करके देखते हैं। और ये रिवर भी आ गई है, यहाँ पे रिवर पे भी चला के देखते हैं पानी के अंदर। पूरी गाड़ी घुमा दी तुम्हारे भाई ने। चलो अभी रिवर के अंदर चल के देखते हैं, चला के देखते हैं क्या फील देती है, चल पाती नहीं चल पाती। और इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, वहां चलेंगे, वहां पे ऑफ रोड करेंगे। भाई पानी भी खतरनाक चल रही है, देखो क्या लुक है भाई गाड़ी का। और ये पानी में चला रहे हैं, बड़े बिंदास तरीके चल रही है पानी के अंदर भी, बिना किसी दिक्कत के साथ। पानी में भी गाड़ी 70-80 तक पहुंच चुकी है। पानी में स्टंट करके देखें। ओके तो पानी के अंदर स्टंट करके देखते हैं। तो ओके गाइस अभी चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे, और वो लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अभी वहां चलते हैं। बहुत खतरनाक वाला ऑफ रोड है, अगर ये गाड़ी वहां चल गई ना तो हर जगह चल जाएगी, ठीक है। तो चलो इस रास्ते से चलते हैं, पहले मैप लगा लेते हैं। Turn around when it is safe to do so. तो ओके गाइस अभी हम अपनी सबसे मेन लोकेशन पे जा रहे हैं, और वो लोकेशन ऐसी है मतलब बहुत तगड़ा वाला ऑफ रोड है, अगर वहाँ पे गाड़ी चल गई ना तो मान लो हर जगह चल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं बहुत तेज़ी में। अरे मैंने ज़्यादा स्पीड कर दी गाड़ी की, और ठुकना नहीं। तो ओके गाइस अभी हम अपने अगली लोकेशन के बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप देख सकते हो कैसी जगह है ये। टर्न लेफ्ट। अबे बड़ा डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल भी करना। 200 यार्ड्स टर्न लेफ्ट टर्न लेफ्ट। थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया और फिर रेस दे दिया, तो गाड़ी आगे अगर स्लिप नहीं करती तो आगे चली जाएगी। वैसे बड़ी गाड़ी है, बहुत हैवी गाड़ियां होती है तो स्लिप कर जाती है, और जो सुपर कार्स होती है वो भी, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद ही आता है। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, लगभग अपनी हम लोकेशन पे आ चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितनी खतरनाक जगह है, वहां पे हम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। तो अभी देख सकते हो आप कैसी जगह है ये, इस जगहों पे हम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। और अभी देखो मैं यहाँ से ऑफ रोडिंग करना चालू करता हूँ, तो पहले यहाँ चलते हैं आगे। और बहुत ही गंदा वाला ऑफ रोड है, मतलब मान लो कि ऑफ रोड बोल ही नहीं सकते इसको, ये कुछ अलग ही है, मतलब पहाड़ चट्टानों पर मैं गाड़ी चढ़ाऊँगा। और आप मेरी ड्राइविंग स्किल्स देखना कि कैसी स्किल्स है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप। तो पहले हम यहाँ से इसको चढ़ा लेते हैं गाड़ी के ऊपर, को जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पर जगह है। हाँ यहाँ तो इजली चढ़ गई है देखो अभी, और हम खतरनाक जगह पे चढ़ाने वाले हैं इसको। यहाँ चढ़ा के देखें क्या चढ़ जाएगी यहाँ पे। भाई चढ़ रही है, गाड़ी में दम तो है भाई, दम तो है, पर मैंने गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी। चढ़, पर थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के चक्कर में ना मुझे एंगल चेंज करना पड़ता है, और
थोड़ा सा गड़बड़ी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा मस्त तरीके से दिखाने के लिए आपको, कि आपको भी फील आ सके। और रुक जा यार, बहुत अजीब सा रास्ता ना, पहाड़ से नीचे गिर ना जाए गाड़ी। मैंने झाड़ वाड़ सब तोड़ दिए, पेड़ पौधे, और गाड़ी बड़े आराम से चल रही है इसके ऊपर। अभी तक तो कोई खतरनाक वाला आया नहीं ऑफ रोड, मतलब अच्छा खासा खतरनाक था ये भी, पर इतना नहीं कि गाड़ी चल नहीं सकती यहाँ पे। और अभी देखते हैं आगे कहाँ, मुझे रास्ता भी देखना पड़ेगा भैया, कहाँ से गाड़ी निकल सकती है। देखो 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 देखो, प्लेट मत जियो भाई, प्लेट मत जियो, प्लेट मत जियो, प्लेट मत जियो, प्लेट मत जियो। यहाँ पे इतना ही पॉसिबल था, आगे देखते हैं, आगे कुछ और ऑफ रोड है, क्योंकि इसके ऊपर तो चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। ठीक है, तो और देखते हैं आगे और कहाँ पे ऑफ रोड है हमारा। वैसे लैंड रोवर, आप डिफेंडर, जो भी ये गाड़ी है, बोल सकते हो कि यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखो एक दो टायर भी हवा में पहुंच जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये देख सकते हो। तो ज्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, और जहां तक मैं जानता हूँ इन सब गाड़ी में जो टॉर्क होता है, मतलब ताकत जो होती है बहुत कम स्पीड में लगाने वाली, वो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने गलती से ठोक दिया था अभी। इसके ऊपर चढ़ाए क्या? नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब यहां से देखो, यहां से खतरनाक वाला ऑफ रोड है। एक सेकेंड, मैं कैमरा एंगल थोड़ा सा बड़ा वाला कर लेता हूँ, ताकि पूरी गाड़ी आराम से इस दिख सके। चलो अभी चलते हैं। चलो भाई आजा 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 आजा, गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं। गाड़ी टकरा तो रही है आड़ी टेढ़ी जगहों पे, तो मैंने निकाल दिए। और मान लो भाई आपकी गाड़ी अगर यहाँ पे चल सकती है और यहाँ घुस गई है इतनी खतरनाक वाली जगहों पे, तब कहीं भी चल जाएगी। मगर शीशे वैसे हमने बहुत सारे तोड़ दिए, ऊपर के सनरूफ वगैरह भी टूट गया मेरे ख्याल से। तो मगर जो ऑफ रोडिंग के शौकीन है वो इतना नुकसान झेल सकते हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ाएं क्या? नहीं, यहाँ चढ़ाते हैं ऊपर, इधर चलते हैं इधर। अभी ऑफ रोडिंग और करेंगे हम भाई। यहाँ पे तो बोनट टकरा, मतलब कि जो मरगाड़ है जो भी होता है, आगे बोनट बोलते हैं शायद, बोनट टकरा रहा है। यहाँ से तो नहीं चलाएंगे, यहाँ से चलाते हैं ऊपर। उगजा 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 उगजा, पीछे लेते हैं, पीछे पीछे पीछे, फिर आगे यहाँ से चढ़ाते हैं। और स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी, अब यहाँ कहाँ चढ़ेगी वे, ऊपर चढ़ाते हैं यहाँ से। यहाँ चढ़ नहीं पाएगी क्या भाई? चढ़ तो जानी चाहिए, देखो चढ़ाते हैं, चढ़ते हैं। एंकल ऐसे रखना पड़ेगा मुझे, फिर मैं ट्राई करता हूँ चढ़ाने का। अरे यार नहीं भाई, यहाँ तो नहीं चढ़ रही है। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। नहीं भाई, फिसल गई थी और गाड़ी अपनी पलट गई है। अभी अभी हम सीधी करवा लेते हैं इसको, तो यहाँ तो नहीं चढ़ पाएगी भाई। और देखते हैं और कोई ऑफ रोडिंग वाली जगह है भाई, चलते हैं यहाँ से। गाइस देखो, हम ऑफ रोडिंग में चला रहे हैं इस गाड़ी को, यहाँ पे खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग है। देखो जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। ओए ठुकना नहीं ठुकना नहीं ठुकना, second exit.
ओके गाइस, अभी हम हाईवे पे और उसका स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं कि कितनी भागती है भाई ये, कितनी जाती कितनी है। अभी 70 पार कर चुकी है ये। साइड कर लो सबके साथ सब भाई। भाई स्पीड तो बहुत कम है इस गाड़ी की। अगर कोई भी इस गाड़ी को स्पीड की वजह से खरीद रहा है तो मुझे नहीं पता भाई, सॉरी, ये तो गेम है यार, असलियत में पता नहीं। तो भाई 122 से ही चली जा चुकी है भाई साहब, गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी भी है। हाँ तो 130 मान लो, 30 जाएगी ज्यादा ज्यादा, और उससे ज्यादा नहीं जाएगी। अभी आप फील कर सकते हैं कि देखो भैया गाड़ी के अंदर बैठ के चलाने का क्या मजा है। डिफेंडर के अंदर अगर चलाने का शौक रखते हैं और पैसा नहीं है आपके पास तो आप तो अपने शौक ऐसे भी पूरे कर सकते हैं। और स्टीयरिंग तो लग रहा है ही नहीं भाई, बिल्कुल पावर में तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। मुझे लग नहीं रहा कि मैं गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहा हूँ और इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत सॉफ्ट स्टीयरिंग है। इंडिकेटर दिया मैंने, बोल दिया था, देखा अच्छे ने। ऐसे लोग ऐसे एक्सीडेंट होता है बताओ। तो ओके गाइस, अभी कुछ स्टंट करने का ट्राई करते हैं, स्टंट करके देखते हैं, अगर स्टंट अच्छा होता है तो। जो कि मैंने स्लिप मार दी, मैंने ये काम हाईवे पे कर रहा हूँ, अगर गाड़ियाँ वाड़ियाँ आगे तो ठुक जाएंगी। और राउंड राउंड जो घुमा कर देखते हैं वो ट्राई करते हैं, वो होगा जगह यहाँ पे, सही जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें। आप में से कोई भी ऐसा घर पे नहीं करने का, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ ये घर पे नहीं, गाड़ी में नहीं करने का, मैं क्या बोल रहा हूँ, फुल टायर बर्न आउट कर दिए मैंने। इसमें टायर फटते नहीं है क्या? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो एक लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम प्लेज वीडियोस को देखते रहने के लिए कीप वॉचिंग सिली प्ले।